से देश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में 8 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। त्रिपुरा के अगरतला से कोलकाता के सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी और यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन के दो कोच हवा में लहरा गए। हादसा कितना भीषण था इसका अंदाजा आप जो तस्वीरें हैं उनको देखकर लगा सकते हैं। हमने एनिमेशन आपके लिए क्रिएट किया है और ये एनिमेशन आपको बताएगा कि कितना जबरदस्त ये हादसा था। जो स्टेशन है वहां पर ये ट्रेन खड़ी हुई थी जिसमें यात्री बैठे हुए थे। पीछे से एक मालगाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से आती है और तेज रफ्तार से मालगाड़ी इस रेल में टक्कर मारती है जोरदार। ये टक्कर इतनी जोरदार होती है कि ट्रेन की जो पीछे की तीन बोगियां होती हैं वो टक्कर के बाद हवा में उछल जाती हैं और इसके बाद जो सबसे पीछे वाली बोगी थी जिसको डायरेक्ट टक्कर लगी थी उसमें बैठे हुए 8 से ज्यादा यात्री अपनी जान गंवा देते हैं। अभी जो ताज़ा स्थिति है उसके मुताबिक 60 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी इस हादसे में हुए हैं जिन्हें इस हादसे के फौरन बाद पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक की जो वजह सामने आ रही है वो ये पता चल रहा है कि जो मालगाड़ी का ड्राइवर था, मालगाड़ी का जो लोको पायलट था, उसने सिग्नल नहीं देखा और इसी के चलते वो बड़ी स्पीड से ट्रेन को पीछे से लेता आया जिसके चक्कर में जो रेलगाड़ी खड़ी हुई थी उसमें हादसा हुआ। जो ट्रेन जिसमें पैसेंजर सवार थे उससे टक्कर लगी और फिर ज़बरदस्त हादसा हुआ जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस हादसे पर सियासत भी हो रही है, साथ ही साथ सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि उस रक्षा कवच का क्या हुआ जिसे ट्रेन में लगाने की बात कही जा रही थी जिससे हादसों को टाला जा सके। रिपोर्ट आप देखिए। ही विस्थापित कीजिए कि किसकी जिम्मेदारी है, क्यों आप सिर्फ एक वंदे भारत लेकर और रोज रील डाल डाल के अपने आप को बहुत बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। अलग थलग पड़ी ये कंचनजंगा एक्सप्रेस की बोगियां हैं जो एक मालगाड़ी की टक्कर से हादसे का शिकार हो गई। अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ट्रेन में चढ़े पैसेंजर्स को क्या पता था कि ये ट्रेन मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाएगी। ऐसा ही हुआ बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में। अगरतला से सियालदह जाने वाली ट्रेन 13174 जो आप देख सकते हैं माल ट्रेन के साथ दुर्घटना हुई है। यह गाड़ी बताया जा रहा है कि ये ट्रेन जो है अगरतला से जो चलकर सियालदह को जाती है इस ट्रेन की दुर्घटना हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे ये तस्वीर है जो साफ तौर पे ये बयां कर रही है। तस्वीरें ये दर्शा रही है, ये बयां कर रही है कि किस तरह से भारी एक्सीडेंट हुआ है। अब तक जो है 8 लोगों की मरने की पुष्टि हो चुकी है और 50 लोग से अधिक लोग घायल है। कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से पश्चिम बंगाल के सियालदह जा रही थी। ट्रेन सिलीगुड़ी के रंगापानी स्टेशन के पास रुईधासा में रेड सिग्नल की वजह से रुकी हुई थी। इसी दौरान पीछे से आ रही मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि ट्रेन के 3 डब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। कंचनजंगा एक्सप्रेस के सबसे पीछे की बोगी मालगाड़ी के इंजन पर चढ़कर हवा में लटक गई जबकि एक डब्बा चकनाचूर हो गया और जिस बोगी को बुरी तरह नुकसान हुआ उसी में सवार 8 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है, जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहां के मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहां पे सिलीगुड़ी में, वहां पहुंचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके। ये है कि उनको गाड़ी रोकनी चाहिए थी, उनको आगे गाड़ी बिना रोके नहीं चलानी चाहिए थी, पर ऐसा लगता है कि गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी और वो सिग्नल के बावजूद, सिग्नल था रुकने के लिए, उसके बावजूद गाड़ी आगे चली गई, पीछे वाली गाड़ी को रुकना था। ये पहले फर्स्ट इंडिकेशंस हैं एंड हमें ज्यादा डिटेल तो अब इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया। प्रधानमंत्री ने लिखा, पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना दुखद है, उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में पोस्ट लिखा, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुआ रेल हादसा बहुत दुखद है। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। घटना की जगह मौजूद चश्मदीद ने इस हादसे की पूरी कहानी बताई। मेरा तो B1 कुछ था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है, तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। वो 8:30 बजे से हुआ था घटना। वो एक ट्रेन जा रहा था, वो ट्रेन मालगाड़ी पीछे आके मार दिया। डेड बॉडी, हम लोग 8 आदमी निकला है डेड बॉडी।
निकला है? हाँ, आठ निकला है हम लोग। और कैसे क्या और जख्म मोटामोटी 30-35 हुआ। अब आपको पिछले 10 साल में कितने ट्रेन हादसे हुए उनके आंकड़े बताते हैं। 2014-15 135, 2015-16 107, 2016-17 104, 2017-18 73, 2018-19 69, 2019-20 55, 2020-21 22, 2021-22 35, 2022-23 48। रंकांग खोल के मैं आज के लिए